दो दिन पहले ही शहर के रामनगर में 7 साल की मासूम को चॉकलेट देने के बहाने सुनसान भवन में ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जयराम प्रजापत के खिलाफ पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर शनिवार को न्यायालय में पेश किया। 3 जुलाई को शहर के सदर थाना क्षेत्र में घर के बाहर खेल रही 7 वर्षीय मासूम बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर घर के पास ही एक सुनसान मकान में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में पिछले 3 दिन से दौड़ धूप कर रही पुलिस को आखिर कामयाबी मिली है। पुलिस ने शनिवार को आरोपी जयराम को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 3 जुलाई को बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुन उसकी माँ दौड़ कर मौके पर पहुंची तो आरोपी बच्ची को छोड़कर मौके से भाग गया था। मां की तत्परता के चलते मासूम हैवानियत का शिकार होने से बच गई। घटना के बाद से ही पूरे शहर में सनसनी का माहौल रहा और आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तार को लेकर पुलिस पर दबाव भी बनाया गया। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने भी पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी। उसको धोरीमन्ना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और सीओ साहब के निर्देशन में टीमों का गठन करके और मुलजिम की तलाशी की जा रही थी और कल उसको धोरीमन्ना के बाजार से दस्तयाब करके टीम लेकर आई थी। उसको बात पूछताछ गिरफ्तार किया और आज बालोतरा पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया है। मेरे पास जो मुकदमा था वो पॉक्सो और अपहरण की धाराओं में दर्ज था। उसका नाम जयराम पुत्र रावराम है, उम्र 30 वर्ष है करीब और निवासी जैसार थाना बीजराड़ का है। पुलिस ने शनिवार को आरोपी जयराम पुत्र रावराम प्रजापत निवासी जैसार हाल निवासी बाड़मेर को गिरफ्तार कर लिया। मासूमियत पर हैवानियत भरी निगाह डालने के बाड़मेर शहर के इस पहले मामले में पुलिस की तत्परता के चलते आरोपी सलाखों के पीछे है। पुलिस की ओर से आरोपी को शनिवार को बालोतरा स्थित न्यायालय में पेश किया गया।